लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के। पैसा दिए बगैर बिहार में जैसा लोग बता रहे हैं कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूं तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूं। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है, एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन है या गुस्से में है। इसमें जिले में जितने लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं वो 11 या 12 तारीख को बेतिया में बैठेंगे, वो लोग अपना निर्णय करेंगे, वो निर्णय मीडिया के सामने होगा, आपको जानकारी भी मिलेगी कि कम से कम पश्चिम चंपारण में जन सुराज से जुड़े हुए लोगों ने दल बनाए जाने के संबंध में या इस जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं और विषयों पर जो हम लोगों ने पूरी पदयात्रा के दौरान यहाँ पर ढूंढा पाया, उन विषयों पर लोगों का क्या मंतव्य है, क्या लोग चाहते हैं, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको 11-12 तारीख को बेतिया में जब अधिवेशन होगा उसमें निकाल कर आपके साथ साझा किया जाएगा। जिस स्तर पे संजय जायसवाल जी यार ये काम कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि राज्य के अध्यक्ष की कितनी भूमिका होती है। हर जगह लोगों से आप जहाँ भी बात कीजिएगा तो लोग यही बताते हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार, उस पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। सामान्य नागरिक को अब ये बता रहे हैं कि भैया लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। ये सामान्य लोगों की भावना और उनके विचार। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए। कोई आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता हो, आप गरीब हो, धनी हो, आपको पैसा दिए बगैर बिहार में जैसा लोग बता रहे हैं कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है।